नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज सुबह से बड़ी खबर चल रही थी और ये वो खबर थी, पूरे दरभंगा शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था कि रोज दी मेडिसिटी आईबी स्मृति और दलान रिजॉर्ट के संचालक डॉक्टर मृदुल शुक्ला भारतीय जनता पार्टी में काफी ज्यादा धूम धड़ाके के साथ शामिल हुए। आज सुबह अपनी पत्नी डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी के साथ श्यामा मंदिर पहुंचे, आरके चौधरी के साथ मौजूद थे। कहा जाता है कि डॉक्टर शुक्ला को भाजपा में लाने के लिए प्रेरित आरके चौधरी ने किया, इसलिए आरके चौधरी दिल्ली से खुद पहुंचे थे। पहुंचकर उन्होंने श्यामा मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों के काफिला के साथ फिर अपने हॉस्पिटल पहुंचे, वहां से सीधा कर्पूरी चौक पहुंचे। कर्पूरी चौक पर बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इसके साथ ही चर्चा का बाजार गर्म हो गया, क्या वो दरभंगा शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे या फिर उन्हें कोई और एमएलसी बनाया जाएगा। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा तेज है, लेकिन डॉक्टर शुक्ला ने जिस धूमधड़ाके और धमाकेदार एंट्री भाजपा में की है, दरभंगा में चर्चा होना भी स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर और अशोक यादव दोनों को अपने तरीके से जिताने का प्रयास करेंगे और इसके लिए वो मोदी के आइडियोलॉजी को अपनाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं आज सुबह से किस तरह धमाकेदार एंट्री श्यामा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हुई। रमनेश्वर में आए हैं और आज हमारा स्वच्छता अभियान के रूप में भारतीय जनता पार्टी का और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही बात बोलना है मुझे कि जय श्री का नारा है, भारत देश हमारा है, उसके साथ इसके लिए हमारे सेनापति माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनके हाथ को हम लोग मजबूत करना है और कुछ नहीं करना है, बस इस तरह 400 पार पर जाना है, बस यही संकल्प हम लोग का। इस बात रमनेश्वर में आए हैं और आज हमारा स्वच्छता अभियान का भी के रूप में मैं आज संकल्प करूंगा भारतीय जनता पार्टी का। ये और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही बात बोलना है मुझे कि जय श्री का नारा है, भारत देश हमारा है, उसके साथ इसके लिए हमारे सेनापति माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनके हाथ को हम लोग मजबूत करना है और कुछ नहीं करना है, बस इस तरह 400 पार पर जाना है, बस यही संकल्प हम लोग का। यह जो चुनाव हो रहा है 2024 में लोकसभा का, यह चुनाव राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहा है और धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आपने भी देखा होगा सावन के महीने में लालू प्रसाद यादव जी राहुल गांधी को बुलाकर मटन का स्वाद दे रहे हैं। उनका बेटा राजकुमार, जो बहुत गरीब बाप का बेटा है, हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाकर नवरात्रा के पहला दिन लोगों को दिखा रहे, अर्थात सनातनी धर्म को ललकार रहे हैं। इस सब तरह की बात, ऐसा लगता है ये लोग अधर्मी हैं और यहाँ धर्म की लड़ाई है। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद गोपाल जी ठाकुर जी को मिलेगा और गोपाल जी ठाकुर भारी मतों से दरभंगा से विजय होकर लोकसभा में पुनः जाएंगे। डॉक्टर एम के शुक्ला जी के भारतीय जनता पार्टी में जाने से दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिला में जो है पार्टी मजबूत होगा और अभी जो वर्तमान में लोकसभा चुनाव जो चल रहा है इसमें निश्चित ही दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, समस्तीपुर, ये चार जिला में शुक्ला जी का काफ़ी प्रभाव है और इससे पार्टी को काफ़ी जो है सो मजबूती मिलेगा। और शुक्ला जी के में एक बात और है, जो ये किसी भी के साथ, कोई गरीब हो अमीर हो, सभी के साथ ये हमेशा सुख दुख में लगे रहते हैं, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगा मिथिला में, क्योंकि इतने साथ जन जन के प्रिय हैं। तो निश्चित रूप से अभी जो बोले हैं हमारे श्रीमान जी, झंझारपुर लोकसभा, दरभंगा लोकसभा, समस्तीपुर लोकसभा, मधुबनी लोकसभा, उसमें निश्चित मतलब जो शुक्ला जी का एक वो क्या होता है, जिधर से निकलते हैं वो लहर हुजूम निकलता है लोगों का, उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा पार्टी। शुक्ला सर के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं इसके लिए कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। क्या लाभ मिलेगा? अच्छा ही लाभ मिलेगा, अच्छे लोग जुड़ते हैं तो अच्छे ही लाभ आते हैं। बीजेपी को नहीं, नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करना है हम सभी आदमी को मिलके,
और दरभंगा सांसद माननीय गोपाली ठाकुर को भारी मतों से जिताकर संसद पहुंचाना है और इस बार 400 पार सरकार मोदी सरकार को लाना है। क्या नाम है? विकास कुमार सिंह। आज शुक्ला जी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, क्या लगता है आपको कि बीजेपी पार्टी को क्या प्रभाव पड़ेगा, फायदा होगा? शुक्ला जी आज ज्वाइन नहीं किए, शुक्ला जी बहुत पहले से ज्वाइन कर चुके हैं, सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। बहुत बहुत बोले ना, पांच जिला में उनका बहुत अच्छा प्रभाव है, छोटे दल से लेकर बड़े दल के छोटे बड़े के साथ साथ रहते हैं, रह चुके हैं, रह भी रहे हैं, इसके लिए कोई अथी नहीं है। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, 4 लाख वोट से हमारे गोपाल जी को विजय करवाएंगे वो। सूरज प्रसाद जी, जी हम लोग दरभंगावासी हम लोग उनका सपोर्ट समर्थन में रहेंगे और अच्छा से समर्थन करेंगे हमेशा, और हम लोग बीजेपी का हमेशा समर्थन करते हैं और मोदी जी इस बार 400 के पार हैं। क्या नाम है? कन्हैया कुमार। दूर पर आए हुए हैं और वो सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं और इससे पूरे दरभंगा जिला मिथिलांचल पर सभी सीट पर प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर साहब का लोकल में बहुत अच्छा पकड़ है और मोदी का मतलब होता है विकास, हम लोग विकास के नाम पर मोदी जी के साथ हैं और हमारे माननीय गोपाल जी ठाकुर को हम लोग भारी से भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। जी हम लोग यहाँ शुक्ला सर के समर्थन में आए हैं, ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी है इस बात से क्योंकि इनके जैसा नेता अगर हमारे दरभंगा में आता है आगामी भविष्य में तो हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इनसे बेहतर नेता कोई हो ही नहीं सकता है। पार्टी को कितना लाभ पहुंचेगा? पार्टी को भी बहुत बहुत ज्यादा लाभ पहुंचेगा, बिल्कुल। जनमानस के लिए काफी प्रिय है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है, दरभंगा के लिए सबसे उत्तम उम्मीदवार यही है मेरे समझ से अभी एट ए टाइम। आज तो पार्टी ही ज्वाइन, कोई बात नहीं, कभी तो शुरुआत होगा तो वो शुरुआत आज ही है।